हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 7 सेमेस्टर नंबर 2 इंग्लिश ग्रामर जेनु चैप्टर नंबर 2 आज आपने अभ्यास करवाना छे, जेनु नाम छे द प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जेने आपने गुजराती में कहीशु चालू वर्तमान काल। अगाउ आपने आगळना सत्रनी अंदर आ चैप्टर सीखी गया था अने आ चैप्टर नी अंदर आपने जोयु हतु के केवी रीते वर्ब आईएनजी लगावाय छे, क्रियापद नु आईएनजी वडे रूप लगावे छे, एमा बहु बधा स्पेलिंग्स आपे था, मैं तमने पांच पांच वखत लखवा पण आपे था, हुं आशा राखुं के तमने हजी ए मोडे छे। आनी अंदर बीजुं कंई नहीं, इज एमआर प्लस वर्ब आईएनजी लगावानुं होय छे। सौथी पहेला तो आपणे समजी लईए के चालू वर्तमान काळनो उपयोग क्यां थाय छे। तो अहींया आपणे जोईए के भाई बोलती वेळाए जे क्रिया चालू छे अथवा तो जे क्रिया थई रही छे ते दर्शाववा माटे चालू वर्तमान काळ नो उपयोग थाय छे। मानी लो कि आपणे बोलती वेळानी वात करीए, हुं एक एक्झाम्पल आपुं, दाखला तरीके नॉर्मली आई टीच इंग्लिश, आनो गुजराती थशे के भाई हुं अंग्रेजी भणावुं छुं। हवे मारी अंग्रेजी भणावानी रोजिंदी क्रिया छे, तो आ तो थई गयो सादो वर्तमान काळ। शुं थई गयो? सादो वर्तमान काळ, बराबर। परंतु हवे मारे एनी जग्याए एवुं केवुं होय के भाई आई एम टीचिंग इंग्लिश, કે ભાઈ હું અંગ્રેજી ભણાવી રહ્યો છું, તો આ થઈ ગયું ચાલુ વર્તમાન કાળ। મતલબ કે સાદો વર્તમાન કાળમાં ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ અથવા તો એસકેએસ વાળું રૂપ આવે છે, અને ચાલુ વર્તમાન કાળમાં ક્રિયાપદનું એમઇઝેડ પ્લસ વર્બ આઈએનજી વાળું રૂપ આવે છે। આટલું યાદ રાખો, સિમ્પલ। હવે ચાલુ વર્તમાન કાળની અંદર કેટલાક નાના એવા ફેરફારો હોય છે, જેમ કે સૌથી પહેલા તો આપણે વાત કરીએ તો ચાલુ વર્તમાન કાળમાં મુખ્ય ક્રિયાપદને मुख्य क्रियापद ने अंते आईएनजी लगाड़वामां आवे छे, त्यारबाद नंबर बे नी वात करिए तो क्रियापद ने अंते ई होय तो ई काढ़ी ने आईएनजी मुकवामां आवे छे। दाखला तरीके राइट, तो राइटिंग पाछळ ई काढीने आईएनजी मूके छे, त्यारबाद बेक, तो बेकिंग ई काढीने आईएनजी मूक्यू, त्यारबाद मेक,
तो मेकिंग ई काढ़ीने आईएनजी मुक्यू वगैरह वगैरह वगैरह। त्यार बाद हजी एक नियम एवो छे कि क्रियापद ने अंते स्वर प्लस व्यंजन होय तो व्यंजन ने बेवड़ावीने शू करवानो बेवड़ावीने आईएनजी मूकवो। दाखला तरीके स्विम, हवे स्वर प्लस व्यंजन छे तो व्यंजन बेवड़ावशु स्विमिंग। दाखला तरीके सीट, स्वर प्लस व्यंजन छे तो व्यंजन ने बेवड़ावशु बेवड़ावो एटले डबल करो, ख्याल आयो? सिंपल। त्यार बाद हजी एक नियम छे, पण जो क्रियापद ने अंते बे स्वर प्लस व्यंजन होय तो फक्त आईएनजी, पण जो क्रियापद ने अंते बे स्वर प्लस व्यंजन होय तो फक्त आईएनजी मुकू। हवे बे स्वर प्लस व्यंजन वाला आपणे स्पेलिंग्स जोईए तो अहींया रीड अने प्लीड आप्यु छे तो समजावी दो, आर ई ए डी तो ई पण स्वर अने ए पण स्वर અને પછી વ્યંજન છે તો રીડિંગ આર ઈ એ ડી આઈ એન જી રીડિંગ। ત્યારબાદ આવે છે પ્લીડ, પી એલ ઈ એ ડી પ્લીડ, તો એમાં પણ ઈ અને એ આર તો પ્લીડિંગ પી એલ ઈ એ ડી આઈ એન જી। સમજે પડે? સરસ। ત્યારબાદ હજી એક નિયમ છે કે ભાઈ ક્રિયાપદને અંતે क्रिया पद ने अंते स्वर प्लस W अथवा Y अथवा तो व्यंजन प्लस Y आपेलो होय तो पण फक्त आईएनजी मुकवो। दाखला तरीके स्वर प्लस डब्ल्यू तो स्वर प्लस डब्ल्यू आवशे एम ई डब्ल्यू म्यू, म्यू એટલે મિયાઓ મિયાઓ કરું તો મ્યુ ઇન। ત્યારબાદ સ્વર પ્લસ વાય, દાખલા તરીકે પ્લે, स्वर प्लस वाय तो प्लेइंग, अने व्यंजन प्लस वाय क्राय तो पण क्राय। इन शोर्ट चालू वर्तमान काल एक सरल काल छे जे तमने बधाने इजीली आवडी जाय एवो छे, बराबर? तो आनी हुं खाली जग्याना प्रश्न नंबर 2 એ બંને આના પછીના વિડીયોમાં હું તમને બનાવીને મોકલી આપીશ, બરોબર? ત્યાં સુધી તમે આ સમજૂતીને બરોબર સમજી લો, અને જૂની સ્વાધ્યાય પોથી હોય તો એ કાર્ડો લગભગ એમાં ચેપ્ટર નંબર 5 કેવું કંઈક હતું, યાદ નથી મને એક્ઝેક્ટ, પણ ચેપ્ટર નંબર 5 કેવું હતું, જે ચેપ્ટર અહીંયા બીજું આપ્યું એ ત્યાં પાંચમું હતું, બરોબર? એક વખત રિવાઇઝ કરી લેજો, ઓકે? મળીએ છીએ ટૂંક જ સમયમાં, આવજો।